दुश्मनी की आग में रची गई साजिश, बुना गया षड्यंत्र, कब किसकी मौत की वजह बन जाए क्या पता। हरियाणा के रोहतक में भी नफरत की आग में बदमाशों ने कोर्ट परिसर में कैदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पुलिस विचाराधीन कैदी रमेश लुहार सहित 5 लोगों को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी। तभी अचानक वहां बदमाश महिलाओं के कपड़े पहनकर पहुंच गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने घायलों को PGI में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग के पीछे काला बोहरिया गैंग का हाथ हो सकता है। रमेश लोहार और काला बोहरिया में काफी पुरानी दुश्मनी है। हरियाणा और दिल्ली में दोनों कुख्यात बदमाशों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। रमेश लोहार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था जिसे हरियाणा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर गिरफ्तार किया था। तो हरियाणा के रोहतक कोर्ट परिसर के बाहर फायरिंग होने से इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखते रहिए DB Live।